चौहान, किरण खेर, महेश भट्ट, सुभाष घई एंड रणधीर कपूर, ये सभी एक साथ नजर आए फिल्म क्रिटिक जेपी चौकसे की न्यू बुक महात्मा गांधी और सिनेमा के लॉन्च पर। हालांकि इस बुक लॉन्च को महेश भट्ट और सुभाष घई ने अपनी सीरियस भाषणबाजी से काफी हैवी बना दिया था, बट थैंक्स टू सलीम खान हु मेड इट फन टू अटेंड। बहुत सीरियस बात हो गई है। मुझे कुछ दिन पहले फोन आया कि साहब 21 तारीख को सलमान जी क्या कर रहे हैं। मैंने 21 तारीख को सलमान जी या है नहीं। अच्छा साहब अरबाज जी, मैंने कहा अरबाज जी भी सतारा में है, उनकी भी शूटिंग चल रही है। अच्छा साहब सोहेल जी हैं या बॉम्बे में? मैंने कहा वो भी नहीं है। अच्छा हेलन जी हैं क्या? सर हेलन जी में नहीं, उनका हेलन जी कहीं जाती जाती नहीं है। सचिन साहब एक्चुअली तो हम आपको बुलाने वाले थे अपने फंक्शन में। आप क्या कर रहे हैं सचिन जी 21 तारीख को? मैंने कहा मैं इतनी फुर्सत में हूँ कि आधे घंटे रॉन्ग नंबर पे बात करता हूँ। ये हालत हो गई है मेरी कि आज मेरे हाथ में माइक आया है, आपको छीनना पड़ेगा। और तभी हुई एक सरप्राइज गेस्ट की एंट्री, जिसे देखकर सबके चेहरे पर आ गई स्माइल, who was none other than सलमान खान। सरप्राइज गेस्ट, प्लीज वेलकम मिस्टर सलमान खान। वैसे यहाँ सलमान की मॉम सलमा खान और हेलन को भी स्पॉट किया गया, जो पहुंची थी जेपी चौक से गो बेस्ट विशेस देने। Well, quite a starry and Khan khandan full affair. So here's wishing Chokse ji good luck for this book. Molly Singh, Zing, Mumbai.